वेद क्या कहता है, यजुर्वेद की ऋग्वेद की तत्रेय संहिता क्या कहती है कि देवक गृहा वही नक्षत्राणि, ये नक्षत्र देवताओं के यानी ग्रहों के रहने के घर हैं, जहां वो अक्सर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, और जो इन नक्षत्रों को जानता है वही बुद्धिमान है। देवक गृहा वही नक्षत्राणि या एवं वेद सग्रह्येव भवति, वही व्यक्ति जानता है, बाकी सब अनाड़ी है। इसलिए हमारी समझ में आया कि हम अपने विद्यार्थियों को, अपने श्रोताओं को, अपने मित्रों को, अपने चाहने वालों को, अपने प्रशंसकों को और हमारी बुराई करने वालों को, सबको, मित्रों को, शत्रुओं को, सबको आज हम बुद्धिमान बना देते हैं। सवाल यहाँ उठता है कि 28 नक्षत्र क्यों है। उसकी सिंपल सी बात है कि आसमान में हजारों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, उससे भी ऊपर की गिनती तक के तारे हैं, लेकिन ऋषियों ने जिन तारों को इक्लिप्टिक के क्रांति वृत्त के आसपास देखा, क्रांति वृत्त से यानी इक्लिप्टिक से जो 0 डिग्री से लेकर के 30-32 डिग्री के दायरे में पड़ गए, उन नक्षत्र मंडलों को उन्होंने नक्षत्र मान लिया। दूसरे वो डायरेक्टली चंद्रमा के ऑर्बिट पर पड़ने चाहिए, ये भी मान लिया। इसी आधार पर उन्होंने 28 जंक्शन पॉइंट बनाए, उन्होंने देखा कि 28 क्लस्टर हैं, 28 नक्षत्रों की तारों की बस्तियां हैं, उन बस्तियों को वैदिक काल में उन्होंने 28 अलग अलग नाम दे दिए। वो 28 नक्षत्र यानी नक्षत्र होने की क्वालिफिकेशन के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है, द स्टार क्लस्टर मस्ट बी लोकेटेड ऑन और अराउंड विद इन 30 डिग्रीज और स्लाइटली मोर फ्रॉम द इक्लिप्टिक, एंड नंबर टू इट मस्ट हैव अ नंबर ऑफ ब्राइटर स्टार्स, और उसके साथ वो दूसरे ग्रहों के ऑर्बिट में भी कहीं ना कहीं पड़ना चाहिए। इन दो क्वालिफिकेशन को पूरा करने के कारण इन 28 क्लस्टर्स को उन्होंने नक्षत्र माना और इसका नाम ही नक्षत्र दे दिया। नक्षत्र नाम में ही जो वर्ड है नक्ष, ये नक्ष संस्कृत शब्द है जिसको आजकल हम लोग नक्शा समझते हैं। तो आसमान में ग्रहों के ऑर्बिट का नक्शा प्रकट करने वाला जो खाका है, जो आउटलाइन है, उसको उन्होंने नक्षत्र कहा। दूसरे नक्षत्र का मतलब है कि जिनमें बहुत ज्यादा गति नहीं है, नक्षति यानी नगच्छति, जो अपने स्थान पर हजारों वर्षों तक वहीं रहता है, उनमें बहुत इतना नेग्लिजिबल मोशन है कि जो हजारों साल में जाकर के नोटिस में आ पाती है, इसलिए भी उनका नाम नक्षत्र पड़ा। और इसलिए उन्होंने क्लियर कट कहा कि देव गृह है, ये देवताओं के ग्रह है। इसी आधार पर, इसी ऋग्वेदिक आधार पर अरेबिक ज्योतिषियों ने इनको कहा अल मंजिल अल कमर, कमर कहते हैं चंद्रमा को अरेबिक में, अल मंजिल, और मंजिल कहते हैं उसको डेस्टिनेशन को, जो चंद्रमा की जो डेस्टिनेशन हैं उन्हीं को उन्होंने देव गृह के आधार पर उसी के समकक्ष उन्होंने वर्ड बना लिया। अंग्रेजी में भी इनको ल्यूनर मेंशंस कहा गया, यानी ये ल्यूनर मेंशन थे, चंद्रमा इनमें आकर के रहता है, ठहरता है और फिर आगे बढ़ जाता है, यानी चंद्रमा की सराय है ये, चंद्रमा के रिसोर्ट्स हैं ये, चंद्रमा के रहने के घर हैं ये, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा नक्षत्र और ये 28 है। अब समस्या ये आई कि वैदिक काल में ऋषियों ने जब देखा कि कुछ नक्षत्र तो ऐसे हैं कि जो लंबे हैं, बड़े हैं, व्यापक हैं, लार्ज हैं, कुछ नक्षत्र छोटे हैं, उनका दायरा, उनका क्षेत्रफल, उनका एरिया कम है, तो इसी आधार पर उन्होंने क्या काम किया कि नक्षत्रों को गर्ग ऋषि ने और कश्यप ऋषि ने 3 भागों में बांट दिया कि कुछ नक्षत्र ऐसे हैं कि जिनमें चंद्रमा नॉर्मल से ज्यादा समय कंज्यूम करता है, उनको उन्होंने कह दिया कि वो 45 मुहूर्त वाले चंद्र नक्षत्र है। 45 मुहूर्त, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 48 × 45 कर लीजिए, चंद्रमा अपनी एवरेज मोशन से उस नक्षत्र को पार करने में इतने मुहूर्त लगाता है, 45 मुहूर्त लगाता है। उसी तरीके से कुछ नक्षत्रों को उन्होंने कहा कि इसमें एवरेज गति के आधार पर ही उसी पेस पर चलते हुए वो उस नक्षत्र रीजन को पार कर लेता है, उनको बता दिया 30 मुहूर्त ही नक्षत्र,
और कुछ नक्षत्र ऐसे हैं कि जिनमें चंद्रमा बहुत जल्दी निकल जाता है, उनको 15 मुहूर्त की कहा, यानी केवल 15 मुहूर्त का टाइम। मुहूर्त का मतलब एक मुहूर्त 96 मिनट का हुआ, 1 घंटा 36 मिनट का, उसको 15 से गुणा कर लीजिए, इतना टाइम उस नक्षत्र को पार करने में लगाता है। तो इस आधार पर उन्होंने नक्षत्रों का वर्गीकरण किया। उसमें भरणी, आर्द्रा, श्लेषा, स्वाति, ज्येष्ठा और शतभिषा, ये 6 नक्षत्र हैं। भरणी, आर्द्रा, श्लेषा, स्वाति, ज्येष्ठा और शतभिषा, इनमें चंद्रमा जल्दी पार कर लेता है इनको, इनको 15 मुहूर्ती नक्षत्र का। इसके बाद कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, 6 नक्षत्र और हैं, जिनमें चंद्रमा 45 मुहूर्त तक रहता है, नॉर्मल से जोड़ा टाइम लगाता है। वो नक्षत्र हुए रोहिणी, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, तीनों उत्तरा और विशाखा, उत्तराषाढ़, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, पुनर्वसु, विशाखा और तीनों उत्तरा, इनमें नॉर्मल से जोड़ा टाइम लगाता है चंद्रमा पार करने में। इसी चंद्रमा के मोशन को देखते हुए उन्होंने इनका इनका मेजरमेंट तय किया। अब आप देखेंगे कि उनकी बुद्धिमानी कहाँ थी, इन सारे मुहूर्तों को, बाकी जो 16 नक्षत्र बच गए, 28 से 9, 6 ये 6 15 मुहूर्त की, 6 की 45 मुहूर्त की, और बाकी बचे हुए 16 30 मुहूर्त, तो इन सारे के सारे मुहूर्तों को यदि गुणा करके जोड़ लें आप, तो देखिए इनके मुहूर्त हो गए 480, 270 और 90। 15 मुहूर्त का 6 है तो 15 × 96 = 90, और 6 45 मुहूर्त के हैं तो 45 × 6 करेंगे तो 270 आएंगे, और भाई यदि 16 को गुणा करेंगे 30 मुहूर्त से तो 16 × 48 = 480 आ जाएंगे। तो 480 मुहूर्त प्लस 270 मुहूर्त प्लस 90 मुहूर्त, टोटल हो गए 840 मुहूर्त। ये मुहूर्त जो है सीधे से सीधे कितने मिनट हुई, इनको इनको डिवाइड कर लीजिएगा 96 से, इतने मुहूर्त बन जाए, इतने मुहूर्त में गुणा कर लीजिएगा 96 से, 96 मिनट से, तो हो जाएंगी 4, वो पूरे 27.7 डेज के बराबर बैठता है टाइम। तो इसका मतलब हुआ कि उन्होंने चंद्रमा के डेली मोशन को देख करके, इन नक्षत्र विजन से चंद्रमा को गुजरते हुए देख करके, और इसमें कंज्यूम होने वाले टाइम को कल्पना करके, उन्होंने ये लूनर मंथ को तय कर दिया कि नक्षत्र मंथ जो साइड्रल मंथ है, जो नक्षत्रों का महीना है, उन सारे नक्षत्र विजन को पार करके जिस जगह से चंद्रमा चलता है उसी जगह पर दोबारा आने में उसको लगभग 27 दिन से ज्यादा लगते हैं। इस हिसाब से मुहूर्त के हिसाब से वो 27.7 बैठता है डेज, सिविल डेज, और आज के मॉडर्न कैलकुलेशन से वो 27.3 बैठता है, यानी 27 दिन लगभग 8 घंटे बैठता है। और उन्होंने उनके रफ कैलकुलेशन से 27.7 दिन आए थे। तो ये नक्षत्र का मंथ है, तो एक तरीके से 28 के 28 नक्षत्रों को, 28 के 28 मंजिलों को पार करने में चंद्रमा 27+ दिन लगाता है, और ये 28 डे हर केस में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये तय कर दिया। लेकिन समस्या कहाँ आई कि इस तरीके से जब बाद में आया कि कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, तो एक तरीके से उन्होंने जो ये 360 डिग्री की रिंग रोड थी आसमान में, इस रिंग रोड को उन्होंने इक्वल डिविजन किया, इसका डिमार्केशन करने के लिए जब जरूरत पड़ी, तो नक्षत्र तो वही रहे, उन नक्षत्रों को उन्होंने 28 से भाग दें 360 को, तो 12.85 डिग्री का, यानी लगभग 12 डिग्री और 50 52 51 मिनट का आर्क मिनट का एक नक्षत्र हो जाएगा। लेकिन उसको इक्वल डिवीजन में करना था, इसलिए उन्होंने 27 नक्षत्र माने। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन द इक्लिप्टिक Like a ring road, there are 27 milestones, also known as the 27 nakshatras, while the same road is consisting of 28 clusters. So all the 28 clusters are inherent in the 27 milestones, within the 27 milestones.
तो इस तरीके से 27-28 की समस्या है। अब 28 को माने जो 28वां जो नक्षत्र अभिजित है श्रवण के बाद, उसके बारे में बड़ी करामासी बात है। करामासी बात क्या है भाई कि सारे नक्षत्र 13° 20' के हो गए। हाँ, इसीलिए सूर्य सिद्धांत जो सबसे पुरानी अवेलेबल और फुल फ्लैडेड जो एस्ट्रोनॉमी की बुक है इंडिया में, उसमें भी उन्होंने 27 नक्षत्रों को लिया, 28 को नहीं लिया। हालांकि अभिजित का जिक्र उन्होंने किया, बट उन्होंने बताया कि अभिजित नक्षत्र इन हेरेंज इन उत्तराषाढ़ा फोर्थ क्वार्टर एंड ऑल्सो इन सम पार्ट ऑफ द श्रवण फर्स्ट क्वार्टर क्वाड्रेंट। अब कल्पना करिए कि चंद्रमा को अभिजित को पार करने में समय लगता था कम, क्योंकि वो छोटा नक्षत्र था, और इस छोटे नक्षत्र में लगभग 4° के बराबर ये नक्षत्र बैठता है, जबकि बाकी सारे डिविजन 13° 20' के हैं। तो इसलिए लगभग 80% ऑफ इस एरिया ऑफ हिज एरिया ऑफ इट्स एरिया अभिजित नक्षत्र शेयर्स विद द उत्तराषाढ़ा नक्षत्र एंड रिमेनिंग 20% फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ श्रवण नक्षत्र दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ यू। इसलिए बड़ी सीधी सी बात हुई कि मकर राशि में चंद्रमा जब 6° 40' को क्रॉस करेगा, देन इट विल एंटर द अभिजित रीजन एंड एज इट क्रॉसेज द उत्तर श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में 10° के बाद केवल 53' पार कर लेगा, यानी 11वीं डिग्री की केवल 53' पार कर लेगा, तभी वो अभिजित के रीजन से अभिजित के डोमेन से बाहर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अभिजित को इस चक्कर में इसमें उसमें शामिल नहीं किया। शुरू में हम बता चुके हैं कि जितने नक्षत्र 0° से लेकर के 30° के करीब या 31-32° के करीब एक्लिप्टिक से दूरी पर थे, उन्हीं को उन्होंने नक्षत्र होने के लिए क्वालिफाइड माना। अभिजित नक्षत्र में समस्या क्या है कि अभिजित नक्षत्र एक्लिप्टिक से 62° दूर है, इसलिए क्रांति वृत्त के एक्लिप्टिक के पास होना, इक्लिप्टिक के नजदीक होना, क्लस्टर होना और उसमें कुछ ब्रिलियंट विजिबल विद नेकेड आई ऐसे ऐसे स्टार्स होना, ये नक्षत्र होने की क्वालिफिकेशन है। इस क्वालिफिकेशन पर अभिजित नक्षत्र पूरा नहीं उतरता, इसलिए उसको इलिमिनेट कर दिया गया। क्वेश्चंस बाद में पूछ लेना भाई। अब समस्या ये आई कि इन नक्षत्रों का नामकरण कैसे किया जाए, क्योंकि सब नक्षत्र तो उगते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नक्षत्रों का नामकरण करने के लिए भी उन्होंने टेक्निक लगाई। बात यहां आई, किसी बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि पापा भेड़िया कैसा होता है। अब पिताजी क्या बताएं, पिताजी के बाप ने भी भेड़िया नहीं देखा था। उन्होंने कहा बेटा कुत्ते जैसा होता है, और एक तरीके से ये मान लो कि वो जंगली कुत्ता होता है। उसकी इमेज उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में बैठ गई। इसलिए जब हम नामकरण करते हैं या किसी चीज का सिग्नेचर निकालते हैं, बताते हैं, किसी चीज की उपमा देते हैं, तो हम अपनी जानी पहचानी चीजों में के आधार पर ही उनका नामकरण या उसको कोई नाम देते हैं। उन्होंने जिस रीजन में, एक रीजन में हजारों तारे हैं, हजारों से भी ज्यादा है एक क्लस्टर में एक नक्षत्र में, उन तारों में कुछ तारे ऐसे हैं जो प्रोमिनेंट स्टार्स कहे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा था, उन तारों को देख करके उन्होंने उनकी तारा संख्या तय कर दी कि अश्विनी वाले रीजन में देयर आर 3 billion स्टार्स। इनका भी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में इस्तेमाल है, जो 3 तारे हैं, 10 तारे हैं, 100 तारे हैं, 6 तारे हैं, 5 तारे हैं, सबका उपयोग है, ये बताया जाएगा धीरे धीरे आपको। 3 तारे हैं, वो 3 तारे कुछ इस तरीके का त्रिकोणा बनाते हैं, त्रिकोण का आकार बनाते हैं, जैसे घोड़े का मुंह हो, घोड़े का हेड हो, हॉर्स का हेड। तो हॉर्स के हेड की वजह से उन्होंने उसका नाम रखा अश्व, माने घोड़ा होता है, वे तो घोड़े के मुंह जैसा लगता है। तो सभी नक्षत्रों के नाम फेमिनिन जेंडर में है, इसलिए अश्वा नहीं होता संस्कृत में, अश्वी होता है, अश्वी। और 2 घोड़ों के आकार दिखाई पड़ता है, 2 घोड़ों की खोपड़ियां दिखाई पड़ती हैं, 2 घोड़ों के हेड दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उन्होंने अश्वयुज बना लिया,
युज माने जोड़ा, अश्व माने घोड़ों का जोड़ा, तो अश्व युजो नाम दे दिया। भरणी नक्षत्र का जो आकार है उसके उसके भी तीन तारे हैं, उन तीन तारों का जो स्वरूप बनता है, उन तारों से जो आकार दिखाई पड़ता है भाई, वो आकार दिखाई पड़ता है एक कैनिस्टर जैसा, कंटेनर जैसा, एक जार जैसा, इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया भरणी। भरणी माने जिसमें सामान भर के संग्रह किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, इसलिए उसका नाम रख दिया भरणी। कृत्सिका, कृत्सिका का मतलब होता है कचर, काटने वाला, वो कैंची भी हो सकती है, छुरी भी हो सकती है, गलासा भी हो सकता है, चाकू भी हो सकता है, वो सर्जिकल भी हो सकता है, हत्या करने वाला चाकू भी हो सकता है, मीस काटने वाला चाकू भी हो सकता है, छुरा भी हो सकता है, इसलिए कृत्सिका नाम रख दिया। जो काटने वाला दिखाई पड़ता है, उसके जो आकार है वो काटने जैसा दिखाई पड़ता है, और उस कृत्सिका में भैया छह तारे हैं। इस आधार पर उन्होंने सारे नक्षत्रों के नाम, जो चीज वो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट जिसके वो फैमिलियर थे, उनके आधार पर 27 नक्षत्रों के 28 नक्षत्रों के नाम रख दिए। अभिजित में कोई आकार ही नहीं बनता, इसलिए उसका नाम अभी माने बाहर हो गया, जिस यानी जिस करके जिसको जीत लिया और वो बाहर निकल गया, यानी पाले के बाहर हो गया, जो कबड्डी के ग्राउंड से बाहर हो गया, जो आउट हो गया, उसका नाम अभिजीत है। अभिजीत का मतलब ये बाहर हो जाना, इसलिए अभिजीत पहले से ही बाहर था। तो ये समस्या भी भाई आप लोगों को आती है। तो नक्षत्रों का जो नामकरण किया इस आधार पर किया, सबका नक्षत्र बताना तो मुश्किल, नाम आधार बताना मुश्किल है, आप समझ लेंगे। ऐसे मरीज में हमारा आकार भी दिया होता है, सारा संख्या भी दी होती है। कैसरी ब्राह्मण क्या कहता है कि अमुम सलोकम नक्षते, यह नक्षत्र सलोकम यानी लोक माने दुनिया में पाए जाने वाली चीजों को नक्षते माने रिफ्लेक्ट करता है, उसका पोर्ट्रेट दिखाता है, उसको पोर्ट्रे करता है, इसलिए इसका नाम नक्षत्र, इसीलिए नस्तन नक्षत्र नाम नक्षत्रत्वम, यही नक्षत्रों का नक्षत्रत्व है। Therefore, they are known as nakshatra, क्योंकि वो पोर्ट्रे करते हैं जमीन पर पाए जाने वाले किसी पदार्थ के उल्थे को, किसी पदार्थ के प्रतिबिंब को, किसी पदार्थ की मूर्ति को, प्रतिमूर्ति को, इसलिए उनका नाम नक्षत्र पड़ गया। अब कुछ नक्षत्रों का नाम बड़ा विचित्र है, उन नक्षत्रों के पीछे कुछ न कुछ माइथोलॉजी है, जो वैदिक माइथोलॉजी है उसके हिसाब से, जैसे अब कहा आर्द्रा, आर्द्रा नक्षत्र का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जब सन आर्द्रा में आता था, आर्द्रा प्रवेश होता था, उस समय ऋषियों ने नोट किया कि वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है, यानी बारिश का मौसम बनना शुरू हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है, और उसमें हल्की बूंद पड़ना बहुत अच्छा माना जाता था, इसलिए यानी जिसमें जमीन हल्की गीली हो जाती है, द मॉइस्ट गीलापन, वो गीलापन ही उसका आर्द्रा नाम रखने का कारण बना। पुनर्वसु, पुनर्वसु के बारे में तैत्तिरीय ब्राह्मण बड़ी मजेदार बात बताता है कि एक बार देवताओं ने कोई यज्ञ शुरू किया, उस यज्ञ के शुरू करने के बाद उसमें राक्षसों ने विघ्न डाल दिया, विघ्न डालने की वजह से अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हुई, तो एक आध दिन बाद उन्होंने दोबारा जिस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र के उदय काल में उन्होंने पुनः माने फिर से वसु माने अग्नि को धारण किया था, प्रज्वलित किया था, दोबारा से अग्नि का स्थापन किया था, उसका नाम रख दिया पुनर्वसु। आश्लेषा बड़ी मजेदार है, आश्लेषा का मतलब होता है हगिंग एंटिटी, जो आलिंगन करती है, जो गले मिलती है भूली की तरह, उसका नाम इसलिए पड़ा कि धान की फसल, हाँ, और पुनर्वसु नक्षत्र में जब धान की पौध लग तैयार हो जाती है, उसको उठा करके दूसरे खेत में, दूसरी क्यारी में फिर से लगाया जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया पुनर्वसु। आश्लेषा में वो धान की फसल, जब आश्लेषा में सूर्य आ जाता है तो बड़ा हो जाता है, बड़े पौधे हो जाते हैं, और वो हवा से हिल हिल करके आपस में ऐसे एक दूसरे के गले मिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे वो हाय हेलो करते रहते हैं, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया आश्लेषा, यानी जिसमें धान के पौधे आलिंगन करते हुए उन्होंने देखे। गुरुजी, गुरुजी,
आपकी शक्ल देख रहे जाते हैं लोग, कह रहे हैं कि पंखा दिखाई पड़ रहा है, आप दिखाई नहीं पड़ रहे हो उनको, तो पीपल आर लुकिंग फॉर योर फेस। हाँ आप सर, अब आपका सुंदर सा चेहरा दिखाई पड़ेगा, हम लोग एनर्जी मिलेगी सर। धन्यवाद सर जी, सर थैंक यू सर। हमारी शक्ल ऐसी नहीं है जो देखी जाए, देख देख करके बोर हो जाओगे। नहीं सर, बोर सर, है। सर बोर नहीं होगी, आवाज तो आपकी बुलंद है, ये शक्ल भी बुलंद है सर। सर थैंक यू सर, ऊपर सर थैंक यू सर, बस अब ठीक है सर, दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे केस में ज्येष्ठा जो नाम पड़ा वो ज्येष्ठा नाम रखा कि ज्येष्ठम एशाम अवधिष्मा, हम राक्षसों के ज्येष्ठ को, राक्षसों के सीनियर मोस्ट सिपाही को, कमांडर को हमने इसमें मारा इस नक्षत्र के दौरान, इसलिए इसका नाम ज्येष्ठा रखा। मूल वर्धिनी, मूल नक्षत्र का वैदिक नाम है मूल वर्धिनी। मूल वर्धिनी का मतलब है मूल या जड़ समेत उखाड़ना, यानी जिस नक्षत्र में उन्होंने देवता और राक्षसों की सेना को जड़ समेत उखाड़ के फेंक दिया, उसका नाम हो गया भैया मूल, मूल वर्धिनी। पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ वो एक ही नक्षत्र था उस जमाने में, अलग अलग नहीं गिना था, हालांकि दूरी है पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ की प्रोमिनेंट तारों में, इसलिए उनको दो भी गिना और कई जगह पर एक भी गिना आषाढ़ा। तो इसलिए जिसमें ऐसा युद्ध हुआ, ऐसी मार पड़ी कि जिसको सहन करना मुश्किल हो गया, उस जगह का नाम, उस नक्षत्र का नाम रख दिया पूर्वाषाढ़। तो इस आधार पर भी बहुत सारे नक्षत्रों के नाम रखे गए। तो कभी किसी चीज की सादृश्य पर, सिमिलिट्यूड पर, कभी किसी घटना के आधार पर, और कभी उसके गुणों के आधार पर उन नक्षत्रों का नाम रख दिया गया। अब नक्षत्रों का नामकरण भी हो गया, 28 और 27 नक्षत्रों की बात भी हो गई। अब समस्या क्या आती है कि भाई इनका जो न्यूमरेशन हुआ, गणना हुई, वो कहाँ से हुई? तो वैदिक काल में कृतिका नक्षत्र सुबह उगता था, पूरम में ही रहता था। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि ऐसा हा वही प्राची दिशो दक्षवंते, ये पूर्व दिशा से नहीं हटते हैं, अर्थात पूर्व दिशा में उस जमाने में उदित होते थे, इसलिए उन्होंने इसको जो है पहला नक्षत्र मान लिया। लेकिन बाद में अश्विनी का भी उसमें वर्णन आता है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का वर्णन कैसे आया, एक जगह एक बड़ी प्यारी कथा आती है वेद में कि दक्ष प्रजापति, उसको उन्होंने कुछ ऐसा कुकर्म किया, कुछ ऐसी ऐसा गलत कार्य किया, जिसकी वजह से परमात्मा ने, सार्वभौम ईश्वर ने उनका गला, गर्दन काट दी, और गर्दन काट करके उसको घोड़े का मुंह लगा दिया। मजेदार बात सुनना, दूसरी कथा क्या कहती है कि उसको घोड़े का नहीं, बकरे का मुंह लगा दिया, भेड़ का मुंह लगा दिया। इसलिए दक्ष प्रजापति की मूर्तियों में यदि भगवान कृष्ण के विराट रूप में देखेंगे तो दक्ष प्रजापति की भी एक शक्ल दिखाई पड़ती है, और उसमें कहीं पर उसको घोड़े का मुंह लगा, सिर वाला दिखाया गया दक्ष प्रजापति को, और कहीं पर उसको भेड़ के मुंह जैसा दिखाया गया रैम। इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल रहस्य और कुछ नहीं। वो कथा क्या कहती है कि ये जितना नक्षत्र मंडल है, इसको मेटाफर बना करके, रूपक बना करके उन्होंने बता दिया कि ये स्वयं नक्षत्रीय प्रजापति है, यही दक्ष प्रजापति है। इस दक्ष प्रजापति की 33 कन्याएं हैं, लड़कियां थी। 33 लड़कियां कौन सी हुई, क्योंकि पहले बता चुका हूं कि वैदिक काल में नक्षत्र 27 ही नहीं थे, 28 ही नहीं थे, वो कृतिकाओं को कई बार 6 सारे होने की वजह से उनको अलग अलग भी गिन लेते थे। तो उन 28 नक्षत्रों में यदि कृतिका के 5 एडिशनल सारे और जोड़ दिए जाएंगे तो 28 और 5 33 हो जाते हैं। इस तरीके से 37 कन्याओं के ब्याह की चिंता दक्ष प्रजापति को हुई। समस्या उनके सामने ये आई कि इनके लिए लड़का खुद को ढूंढे। उधर चंद्रमा बेचारा इतना लस्तु था रोहिणी पर, उसका भी एस्ट्रोनॉमिकल रीजन है, क्योंकि रोहिणी का लैटिट्यूड, रोहिणी की लोकेशन इस तरीके से है कि चंद्रमा उसके बीच से गुजरता है, और चंद्रमा रोहिणी में थोड़ा ज्यादा समय रहता है। पीछे जो दृश्य बनाई थी उसमें देखो
45 जो है मुहूर्त का नक्षत्र है रोहिणी, इसलिए रोहिणी में नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगाता है, रोहिणी में ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है, रोहिणी ज्यादा गोरियस दिखाई पड़ती है, इसलिए चंद्रमा को उस पर लट उठा, हम तुम पे मरते हैं चंद्रमा तो ये कर। अब समस्या क्या है कि किसको जो है इनको इनका दूल्हा बनाया जाए। उन रोहिणी से इंटरेस्टेड होने के बावजूद भी जब चंद्रमा रोहिणी का हाथ मांगने आया तो उस समय दक्ष प्रजापति ने कहा कि मेरी सारी लड़कियों की यह शर्त है कि हम एक ही पति से शादी करेंगे। सूर्य मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि सब रिजेक्ट हो गए, क्योंकि शनि को यदि शादी कर दी गई तो शनि तो 2.5 साल में साल भर में एक नक्षत्र में आएगा, इसलिए भैया तो वियोग में मर जाएंगी। बृहस्पति 2.25 महीने में एक नक्षत्र में, 2.25 महीने नहीं 1 साल एक राशि में रहता है, तो भैया साल के 2.25 हिस्से में एक बार एक नक्षत्र में आएगा, वियोग में मर जाएंगी। सूर्य के सपिष्टे नक्षत्र रूप मर जाएंगे, भैया हम उनके साथ कैसे रहेंगे। मंगल बृहस्पति शनि सब रिजेक्ट हो गए, चंद्रमा सबसे ज्यादा प्यारा था, रोहिणी को भी प्यारा था, रोहिणी को चंद्रमा पसंद था, तो चंद्रमा ने रोहिणी से शादी कर ली, रोहिणी ने चंद्रमा से शादी कर ली, और शर्त के मुताबिक उन 33 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद से कर दिया, तो चंद्रमा हो गया भैया दक्ष प्रजापति का दामाद। ये रीजन क्या है, चंद्रमा सबसे ज्यादा क्लोजली उन नक्षत्रों में से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है, बाकी जो ग्रह हैं वो कम दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा की एक क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन ये थी कि चंद्रमा हर रोज हर एक अपनी बीबी के पास जाएगा बारी बारी से, तो हर 28वें दिन हर 29वें दिन हर एक बीबी का नंबर आ जाया करेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ये ऐसा नहीं है कि सुबह का नाश्ता वहां करेगा और रात का खाना कहीं और खाएगा, एक पूरे दिन 24 घंटे दिन रात एक बीबी को देगा, दूसरी बीबी को दूसरा दिन देगा, तीसरी बीबी को तीसरा दिन देगा, और इस तरीके से 28 दिनों में लगभग 27 दिनों में ये टाइम पूरा हो जाएगा, सब नक्षत्रों की बारी आ जाएगी, वियोग भी नहीं रहेगा। तो चंद्रमा से भैया शादी का, तो उस नक्षत्र प्रजापति में बात कहाँ आई, उस नक्षत्र प्रजापति में जो दिक्कत आएगी वो ये थी कि उस नक्षत्र प्रजापति ने शादी तो कर दी, अश्विनी नक्षत्र रेवती की बात कर रहा था, अश्विनी की बात कर रहा था, अश्विनी का जिक्र कैसे है वहां वेदों में भी और सूर्य सिद्धांत में भी। मेष राशि जो बाद में तय की गई उसका स्वरूप था भेड़ के सर जैसा, और अश्विनी नक्षत्र जो आदि नक्षत्र था जहां से जॉडियक की यानी राशि चक्र की शुरुआत मानी गई वहां पर सार घोड़े का मुंह, इसलिए दक्ष प्रजापति के में अश्विनी नक्षत्र को सिर पर रख करके अश्विनी नक्षत्र की शक्ल के आधार पर उसके सिर की कल्पना कर ली, जब राशियां आ गई तो भेड़ का सिर लगा दिया और दक्ष प्रजापति को, ये मेटाफर है, वैदिक मेटाफर है, और आकाश की स्टारों की लोकेशन की स्कीम को समझाने के लिए आम बच्चों को बताने के लिए कहानियां बनाई गई। इस तरीके से सिद्ध हो गया कि अश्विनी नक्षत्र भी पहला नक्षत्र था, कृत्तिका नक्षत्र भी पहला नक्षत्र था बिकॉज ऑफ रीजंस, और इसीलिए ये कई नक्षत्रों से इनकी शुरुआत होती रही, लेकिन अश्विनी बाद में सूर्य सिद्धांत के बाद फिक्स हो गया कि अश्विनी पहला नक्षत्र रहेगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इन नक्षत्रों का दे नक्षत्र जो दिन नक्षत्र होता है वो तो चंद्रमा से संबंधित होता है, बाकी और ग्रह भी कभी कभी अपने स्टैंडिश के दौरान अनेक नक्षत्रों में से गुजरते हैं। अब अदा देखो चंद्रमा की, पूरा भगवान कृष्ण है, किसी नक्षत्र के जो पास से गुजर जाता है, यानी किसी अपनी बीबी को तो दूर से ही हाय करके और फ्लाइंग किस लेकर के चला जाता है, और किसी बीबी के घर में इतनी देर तक जमा रहता है कि बाहर दिखाई नहीं पड़ता, शक्ल दिखाई नहीं पड़ती, किसी बीबी को बराबर से केवल टच करके चला जाता है, किसी की तरफ तिरछे नयन डाल करके तिरछे चितवन दिखा करके चला जाता है, इसलिए समस्या आ गई भाई। उसको भी समझिए कैसा क्यों होता है। हर एक नक्षत्र हमने कहा कि 0 से लेकर के हर एक नक्षत्र में एक एक योग सारा तय कर दी गई, एक प्रोमिनेंट स्टार आउट ऑफ द प्रोमिनेंट स्टार्स एग्जिस्टिंग
in a cluster. One of them is ranked as the principal star or the junction star or the yog sara. क्योंकि जो एग्जैक्टली चंद्रमा के ऑर्बिट पर जो पोर्शन पड़ता है उस पोर्शन में जो तारा है उस तारे को उन्होंने जंक्शन स्टार कह दिया। जैसे बीटा एराइजिस जो तारा है वो मेष राशि के अश्विनी मंडल का तारा, वो इस समय अश्विनी का योग तारा है। तो उसमें से जब चंद्रमा होकर के गुजरता है और कुछ नक्षत्र दूर है क्योंकि चंद्रमा इक्लिप्टिक से अपने क्रांति वर्ष से हदाहद 5 डिग्री जरा सा और ज्यादा उत्तर या दक्षिण जा सकता है। इसलिए जो नक्षत्र 5 डिग्री के दौरान अंदर अंदर पड़ते हैं उन नक्षत्रों को तो बिल्कुल उनकी छाती पे से गुजर के चला जाता है, और जो नक्षत्र 5 डिग्री से दूर है जिनका योग तारा, तो केवल उस रीजन से गुजर करके वहां से उनको बाईपास करके निकल जाता है, रहता उसी रीजन में, यानी उसी नक्षत्र के एरिया से गुजरते हुए उस नक्षत्र के मुख्य तारे से दूर रहता है। इसलिए उनमें उनको कम प्यारा भी प्यारी दीदी बताया गया, और जिनके बिल्कुल नजदीक से गुजरता है, जिनके अंदर हृदय से होकर के गुजरता है, उसको उन्होंने बता दिया कि इसकी प्यारी दीदी है। इसमें रोहिणी सबसे ज्यादा बड़ा नक्षत्र है, उसमें 5 तारे हैं और उसका आकार अंग्रेजी के विक्ट्री के वी के आकार का बनता है। इसलिए उसमें एक बार जब चंद्रमा जहां घुस जाता है तो उन तारों के ग्लिटरेंस की वजह से वो दिखाई नहीं पड़ता लंबे समय तक, और निकल करके जब बाहर आता है तो ऐसा लगता है कुछ प्रसन्न होता है, नया उगा हुआ होता है। इसलिए कह दिया कि रोहिणी अधिक प्रिया मन भाई, रोहिणी नामक जो उसकी चंद्रमा की पत्नी है वो सबसे ज्यादा प्यारी है। इन्हीं लैटिट्यूड के आधार पर, यानी इक्लिप्टिक से उत्तर या दक्षिण अंशात्मक एंगुलर डिस्टेंस के आधार पर ये तय किया गया कि कौन से नक्षत्र को वो छू करके गुजरेगा, कौन से नक्षत्र के महा से गुजरेगा अंदर से गुजरेगा, और कौन से नक्षत्र के भाई साइड से आजू बाजू से होकर के चला जाएगा या काफी दूर से निकल जाएगा, उनको बाईपास कर देगा। तो इस तरीके से ये माइलस्टोन्स हैं जो चंद्रमा के रूट पर पड़ते हैं। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो किसी बड़े शहर की भीड़ से बचने के लिए बाहर बाईपास बना होता है, तो किसी नक्षत्र से किसी बस्ती से हम बाईपास होकर निकल जाते हैं, किसी बस्ती के बीच में से होकर के गुजरना पड़ता है, किसी बस्ती के साइड से होकर के गुजरना पड़ता है। इसी आधार पर चंद्रमा के गुजरने के रास्ते को ध्यान में रख करके 28 नक्षत्र तय किए गए। बाकी और नक्षत्रों को वैदिक साइंस में सारा नाम दिया, रिक्ष नाम दिया और मीन नाम दिया। ये बड़ा अनोखा शब्द है मीन। सिंधु घाटी की सभ्यता तक मीन शब्द का वाचक, मीन शब्द का अर्थ नक्षत्र हुआ करता था। ये हम कभी डिटेल में बाद में बताएंगे। तो इस तरीके से भाई इन नक्षत्रों का नाम, प्यार मोहब्बत, इनका आपसी ताल्लुकात, प्राइवेट रिलेशन विद द हस्बैंड, विद द मून, इस तरीके से भैया ये सब तय कर दिया गया। अब जब इतना ज्यादा, तो लूनर मंथ, जब लूनर डे का नाम था, हाँ आपको ये बता दें, अथर्ववेद से पहले 7 वारों के नाम नहीं थे, हर एक दिन का नाम भी रखा जाता नक्षत्र के नाम पर ही था। जैसे आज अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा है तो अश्विनी दिन, पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा है तो पुष्य दिन, पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा है तो पुनर्वसु दिन नाम रखा जाता था। और ये प्रथा अशोक सम्राट अशोक के जमाने तक चलती रही है हिंदुस्तान में। सम्राट अशोक के कई इंस्क्रिप्शन में पुष्य दिन शब्द लिखा हुआ मिलता है, दिन के बजाय, वीक डे के बजाय पुष्य दिन, यानी आज पुष्य दिन है। और वार थोड़ा लेट तय किए गए, इन वारों, वार का भी नाम उसमें आता है, लेकिन पुष्य दिन, पुनर्वसु दिन, मघा दिन, इस तरीके से नाम जरूर आता है। तो ये नक्षत्रों के नाम पर दिन रखे गए। अब जब दिन नक्षत्रों के नाम पर रख दिए, तिथि चंद्रमा के नाम नक्षत्रों के आधार पर रख दी, नक्षत्र गमन के आधार पर रख दी, तो महीनों ने क्या बिगाड़ा है भाई, तो महीनों का नाम भी नक्षत्रों के आधार पर रखा गया। चैत्र मास, यानी 27 नक्षत्रों को 12 महीनों में बांटना था, तो दो दो नक्षत्र दे दिए कि भाई चैत्र वैसाख जेठ हो, चौथे महीने को दे दिए 3 नक्षत्र आषाढ़ को, सावन भादो, तो आषाढ़ से गिना तो आषाढ़ सावन भादो, भादो को फिर 3 दे दिए नक्षत्र, सॉरी अश्विनी को,
अश्विनी को तीन दे दिए, अश्विन को तीन दे दिए, और फिर लास्ट में फाल्गुन को तीन दे दिए। इस तरीके से तीन जगह तीन नक्षत्र फालतू देकर के बाकियों को दो दो नक्षत्र देकर के 27 नक्षत्रों को महीनों के हिसाब से बांट दिया। चित्रा और स्वाति इन दोनों में से कोई सा न कोई सा नक्षत्र हर एक चैत्र की पूर्णिमा को आज भी, आज के जमाने में भी पूर्णमासी को कहीं ना कहीं टच करेगा। इसलिए चित्रा स्वाति जिस महीने जिस पूर्णमासी को जिस महीने में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में रहता है, चित्रा नक्षत्र में फुल मून होता है, चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा होती है, उस महीने का नाम रख गया चैत्र। चित्रा नक्षत्र से जिसकी पूर्णिमा का संबंध हुआ उसका नाम रखा चैत्र। इसी तरीके से चित्रा स्वाति तो अगला आ गया विशाखा अनुराधा। विशाखा अनुराधा अलॉट कर दिए बैसाख को, तो विशाखा है पूर्णिमा में जिसकी, वो हो गया बैसाख। ज्येष्ठा और मूल ये पड़ गए ज्येष्ठ के हिस्से, ज्येष्ठा से बन गया ज्येष्ठ। और असाढ़ा पूर्वासाढ़ और उत्तराषाढ़ ये दो नक्षत्र दे दिए असाढ़ को, असाढ़ का मतलब हो गया, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया असाढ़ आषाढ़। श्रवण धनिष्ठा ये दे दिए भैया सावन को, इसीलिए श्रवण पूर्णिमा आज भी यदि श्रावण के दिन रक्षाबंधन के दिन राखी के दिन यदि पूर्णमासी को श्रवण नक्षत्र का जितने समय तक योग हो उसको बड़ा मुहूर्त माना जाता है, और उस श्रवण नक्षत्र में राखी को बड़ा पवित्र माना जाता है। ऋषि पूजन ऋषि तर्पण उस दिन करना बहुत अच्छा माना जाता है, श्रावणी कर्म उस दिन करना अच्छा माना जाता है, ज्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए और संस्कृत में नाम भी है श्रावणी, श्रावण्याम पूर्णिमायाम श्रवण पूर्णिमा, या तो श्रवण पूर्णिमा बनेगा, तो इसलिए उसका आधार पर बन गया श्रावण पूर्णिमा। आगे आया भैया भादो, धनिष्ठा के बाद आया चतुर्विशा, पूर्वाभाद्रपद उत्तराभाद्रपद, ये तीन नक्षत्र दे दिए भादो को। उत्तराभाद्रपद रेवती अश्विनी दे दिया भैया अश्विन को, रेवती अश्विनी भरणी सॉरी कृष्णिका रोहिणी दे दिया कार्तिक को, कृष्णिका है पूर्णिमा में जिसकी वो हो गया कार्तिक महीना, अश्विनी है जिसके पूर्णिमा में वो अश्विन हो गया। मृगशिरा और आर्द्रा ये दे दिए मार्गशीर्ष को, तो मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र से मार्गशीर्ष महीना बन गया। पुनर्वसु और पुष्य से बन गया पौष का महीना, और फाल्गुन महीना रिमेनिंग थ्री पूर्वा फाल्गुन उत्तरा फाल्गुन या हस्त, इनमें से कोई भी एक नक्षत्र इन फाल्गुन की पूर्णिमा को यानी होली के दिन रहेगा। तो इस तरीके से दिन और महीने भी चंद्रमा की गति से नक्षत्रों के आधार पर ही नाम तय कर दिए गए। सूर्य सिद्धांत क्या कहता है, नक्षत्र नामना विज्ञेय मास, नक्षत्र नामना मासास्तु ज्ञेया पर्वांश योगतः, पर्वांश यानी पूर्णिमा के अंत में जिस नक्षत्र के साथ चंद्रमा का संबंध हो, जिस नक्षत्र में चंद्रमा हो उसी नक्षत्र के आधार पर इनका नामकरण कर दिया गया। अब बात ये आती है कि आप इन नक्षत्रों को आसमान में कैसे पहचानेंगे। कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो नंगी आंख से देखे जा सकते हैं, और इनमें से जितने प्रोमिनेंट ब्रिलियंट स्टार्स हैं, जो स्टार संख्या में एफएमआरई में लिखते हैं हर एक नक्षत्र के सामने, उतने प्रोमिनेंट स्टार हैं, और दीज प्रोमिनेंट स्टार्स व्हेन जॉइंड विद अ स्ट्रेट लाइन लाइक स्केच, तो इट डिपिक्ट्स अ क्लियर कट इमेज ऑफ द रेलिवेंट ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए उसका नाम अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी रख दिया गया। देखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जिस समय सूर्य उदय होता है और सूर्य जिस राशि में होता है वही लग्न रहता है सुबह, राशि और नक्षत्र आपस में जुड़े हुए हैं, राशियों के भीतर ही नक्षत्र हैं। इस सातवें नक्षत्र में सूर्य, सातवें लग्न में सूर्य अस्त होता है, इसलिए रात को 9 बजे के आसपास जो लग्न होगा 9 10 11 12 खुले आसमान में जाके देखिए और अपना महीना तय करिए कि इस समय कौन सा लग्न पूरब में उदित हो रहा होगा। उसी तरीके के नक्षत्र का आकार आपको वहां पूर्व में लग्न के नक्षत्र का दिखाई पड़ जाएगा। माना इस समय जब में
मिथुन में काहे में सूर्य है भाई, वृषभ में कि मिथुन में, यार मुझे पता ही नहीं रहता, मैं तो लॉकडाउन में लॉक हो गया हूँ। आजकल सूर्य भाई कौन सी राशि में है? वृषभ में सर। वृषभ में सर। रात को कौन सा, शाम को कौन सा लग्न रहेगा? वृश्चिक लग्न। इस समय धनु लग्न चल रहा होगा, तो धनु लग्न जिस समय उदित हो रहा होगा शाम को, रात को इस समय आप पूर्व दिशा में, तो यदि आप खुले आसमान में या बिजली की रोशनी चकाचौंध न होती हो, तो धनु राशि में जो ग्रह हैं, है कोई ग्रह नहीं, मकर में है, मकर में शनि और बृहस्पति प्रोमिनेंट ग्रह हैं, आपको मकर राशि के नक्षत्र और बृहस्पति और शनि दोनों आपको उस दौरान वहां पर दिख जाएंगे। उनको पहचानना कैसे है वो बताएंगे। आसमान में नक्षत्रों को पहचानना धीरे धीरे प्रैक्टिस की जाती है। हमारे पिताजी ने कान पकड़ करके सुबह 4 बजे उठा उठा करके आसमान में सारे दिखा रखे हैं, इसलिए हमें तो दिन में भी सारे नजर आ जाते हैं। और शादी के बाद तो मैं सारे भाइयों को शादी के बाद तो दिन में सारे नजर आ जाते हैं, पर मैं रात को तारे देखने की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से भाई इंसानों को पहचानने का तरीका भी बता दिया जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या बात करेंगे, इसमें जो नक्षत्र है, जो हाँ नक्षत्र है, इस नक्षत्र के 3 प्रॉपर्टीज होती है भाई। वो प्रॉपर्टीज क्या है कि एक तो इसका शेप, और एक भाई इसकी तारा संख्या, और एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी उस पर्टिकुलर तारे के क्या गुण धर्म है। ये तीनों चीजें नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति को प्रभावित करती है। कैसे भाई, कैसे प्रभावित करती है, इसका एक दो एग्जांपल देकर के हम बात खत्म करते हैं, फिर आगे विवरण हम आपको बताएंगे धीरे धीरे चलते हुए। अश्विनी नक्षत्र क्या है कि अश्विनी नक्षत्र अभी हमने बताया कि प्रजापति का हेड है, जिस प्रजापति, जिस दक्ष प्रजापति का सिर घोड़े जैसा है, बकरे जैसा है, वो गिर जैसा है, वो है। अब यहां पर ये देखिए कि देवासुर संग्राम तथा हुआ कहां था यार। देव कहते हैं संस्कृत में जो खुद चमकता है, सेल्फ शाइनिंग है, गैसियस, ल्यूमिनस, प्रकाशमान। सेलेस्टियल बॉडीज आर नोन एज देवास, और जो डार्क साइड है ऑफ द यूनिवर्स वो राक्षस है। तो जिस तरीके से कौरवों पांडवों में सत्य और असत्य में, सद्विचार और कुविचारों में लगातार द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध चलता रहता है, उसी तरीके से देव और असुर का एक संग्राम भी ये एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना, रेगुलर कंटिन्यूअस फिनोमिना, कॉन्स्टेंटली या फ्रीक्वेंटली रेगुलरली हैपनिंग जो फिनोमिना है, उस फिनोमिना को इंडिकेट करने के लिए देवासुर संग्राम मनाया गया। उस देवासुर संग्राम में जो देवता हैं वो कभी विजित हो जाते हैं, कभी अंधेरा ज्यादा हो जाता है, अंधकार ज्यादा बढ़ जाता है। त्रिपादूर्धम उदयित पुरुषा पादो सेहा भवत पुनः, यजुर्वेद क्या कहता है, इस यूनिवर्स में 25% जो ल्यूमिनस पार्ट है, 25% जो प्रकाशमान तत्व है, उसी से सारे संसार का ब्रह्मा ने, विरंचि ने, विधाता ने, परमात्मा ने, प्रजापति ने निर्माण किया। त्रिपादूर्धम उदयित पुरुषा, त्रिपाद यानी एक दो तिहाई को एक सर्प रख करके, नहीं 3/4 को एक सर्प रख करके, उन्होंने पादो सेहा भवत पुनः, उस पाद मात्र से, उस चौथाई हिस्से से ही उन्होंने सारे संसार के ल्यूमिनस बॉडीज को बनाया, सारे ग्रहों को, नक्षत्रों को, तारों को बनाया। बाकी जितना पोर्शन है, आज नासा भी क्या कहता है कि अबाउट 70% to 85% इन द डार्क मैटर इन दिस यूनिवर्स, while the remaining 25% or 15% definitely pertain to the luminous factor, luminous objects। तो इस तरीके से जो यजुर्वेद ने कहा वो आज साइंटिफिकली भी प्रूव हो रहा है।
अब अश्विनी नक्षत्र की जो गुण है, तीन गुण हुए अश्विनी नक्षत्र में, एक तो तीन तारे हैं। अब तीन तारे हैं भाई, इन तीन तारों में जो प्रजापति का पर्सनिफिकेशन था उसकी तो बात छोड़ दीजिए, अश्व के जिसने गुण है, क्योंकि तो घोड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो अश्व के गुण अश्विनी नक्षत्र में आएंगे। कैसे आएंगे? जो लोग अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं उनको घोड़े का गुण जरूर आएगा। अब घोड़े के गुण तो कई होते हैं भाई, कैसे प्रत्यक्ष होंगे व्यक्ति में घोड़े का गुण भाई? वो तेज, उसकी चाल तेज होगी, यानी वो तेजी से चलेगा, धीमे धीमे स्लोली नहीं चलेगा, यानी उसका पेस फास्ट होगा। उसी तरीके से फास्टर थिंकिंग, फास्टर प्लानिंग और फास्टर एग्जीक्यूशन। अश्विनी नक्षत्र देवताओं के वैद्य कहे गए हैं, और इन्होंने ही च्यवनप्राश का नुस्खा च्यवन ऋषि को दिया था। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मजा लेने के लिए, कि आज का जो हरियाणा है, हरियाणा में एक शहर है नारनौल, उस नारनौल के पास अरावली की जो हिल्स हैं वो खत्म हो जाती है, यानी अरावली हिल्स के पश्चिमी किनारे पर च्यवन ऋषि का आश्रम था। ये ऑथेंटिक तरीके से बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। और वहां पर अश्विनी कुमारों ने स्वयं आकर के च्यवन ऋषि की प्रार्थना पर च्यवन प्राश का नुस्खा उनको दिया था, फॉर्मुलेशन बताया था। तो च्यवन ऋषि और च्यवन प्राश आने की वजह से दवाओं से अश्विनी का संबंध बन जाता है। इनको दवा बताना, दवा खिलाना, दवा खाना, या डायरेक्टली ये मेडिकल फील्ड से कनेक्ट हो जाए, या केमिस्ट के फार्मेसी से कनेक्ट हो जाए कहीं, या जड़ी बूटियों का व्यापार करने वाले हो जाए, तो अश्विनी से ये दिया जाता है। अश्विनी को एवर यूथ कहा गया, वो चिर युवा है, वो कभी बूढ़े नहीं होते और सदा अच्छे दिखते हैं। इसलिए अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए लोगों की जो एजिंग है वो स्लोअर होती है, उनका शरीर पर उम्र के निशान देरी से आते हैं, यानी वो 60 साल की उम्र में 50 जैसे लगते हैं, उम्र से कम दिखते हैं। कुछ लोग 60 साल की उम्र में 70-80 के दिखते हैं। अब जैसे मैं तो 38 साल 38वां साल चल रहा है, मैं 80 साल का दिखता हूँ। तो इसी तरीके से भाई, तो अश्विनी नक्षत्र वाले बेचारे सीधे साल जवान दिखते रहते हैं। दूसरी बात क्या है, बीचा राइटिस के तारा है, बीचा एराइटिस दुर्वा तारा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, आज का साइंस क्या कहता है, एस्ट्रोनॉमी क्या कहती है, कोई दुर्वा तारा है। दुर्वा तारे को बाइनरी स्टार कहते हैं, तो ये बाइनरी स्टार होने की वजह से, इसलिए उन्होंने घोड़े के दो मुंह को देखा, उन दो तारों को रिकॉग्नाइज किया, उनमें से जो ब्राइटर वन था उस ब्राइटर वन को उन्होंने उसका योग तारा माना। इसलिए दो तारों का जुड़वा, एक इसको क्या कहते हैं, स्टार सिस्टम, बाइनरी स्टार सिस्टम। तो ये बाइनरी स्टार सिस्टम होने की वजह से वो आज भी युगल रूप में पहचाने जाते हैं, जोड़े के रूप में पहचाने जाते हैं। उसका असर क्या है कि बेचारे बिना जोड़े के कभी रह नहीं सकते, इनको अकेला रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इनको कोई ना कोई संगी साथी, बात करने वाला, बसियाने वाला चाहिए, इनको बातें बनाने की बड़ी आदत होती है, कहानी सुनाने की बड़ी आदत होती है। दूसरे घोड़ा है तो ट्रेवलिंग, रोमिंग, वांडरिंग सारी बातें आ जाएंगी, और एवर एक्टिव, क्योंकि घोड़ा जिंदगी में एक ही बार बैठता है, जिस समय बूढ़ा हो जाता है, मरने वाला होता है, नहीं तो वो सोचता भी खड़े खड़े ही है, इसलिए एवर एक्टिव रहते हैं। तो एवर एक्टिव, एवर यूथ, और भाई इंक्लाइन टुवर्ड्स मेडिकेशन और मेडिसिन, और तीसरी बात फास्टर मूवमेंट, ये भाई इनकी विशेषता इससे आ जाती है। इससे कहां से? नक्षत्र से, और नक्षत्र के स्वरूप से। अब तिकोना स्वरूप कहां दिखेगा, या तीन सारों का स्वरूप कहां दिखेगा? उनका चेहरा गोल नहीं होता, उनका चेहरा लंबोतरा होता है, अंडाकार होता है, और थुड्डी थोड़ी लंबी होती है। और घोड़े के कान कैसे होते हैं भैया? ऐसे खड़े हुए होते हैं, इसलिए उनके कान भी थोड़ा लॉन्गिश कोनिकल होते हैं और लंबे होते हैं। अब ये पता नहीं, ये शेर साहब देख रहे हैं मेरी तरफ, और
इतने ध्यान से देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। तो ये इनके लंबे कान मुझे दिखाई पड़ रहे हैं यहीं पर। तो ये जो लंबे कान वाले लोग होते हैं तो उनके कान थोड़े लंबे नहीं होते, लंबे तो होते ही, लेकिन ऊपर से जहां से कोनिकल हो जाते हैं थोड़े से नुकीले से हो जाते हैं घोड़े की तरह। तो ये गुण आपको दिखाई पड़ेगा, छुट्टी थोड़ी सी लंबी होगी, गोल नहीं होगी, थोड़ी सी लंबोटरी होगी, और चेहरे पर भी लॉन्गेश यानी ओवल शेप आएगी, ये वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हर एक नक्षत्र के गुण और हर एक नक्षत्र के अवगुण और हर एक नक्षत्र का रूप और उनकी तारों का आकार उसके व्यक्तित्व में वो गुण कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं झलकेंगे। मेरी चुनरिया मलमल की फिर क्यों ना फिरूं झलकी झलकी, ये श्री विचारों के अश्विनी नक्षत्र वालों पे हो जाती है। अब पूर्वा भाद्रपद पर बहुत बाद में आएंगे भैया, तो ये इस तरीके से भाई अश्विनी की बात आती है। अब भरणी नक्षत्र पर जो बात है बड़ा मजेदार है। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी तो अश्विनी कुमार मान लिया क्योंकि तो जुड़वा था, और जितने जुड़वा देवता हैं उनमें अश्विनी कुमार सर्वप्रथम है, इसलिए उन्होंने जुड़वा मान लिया। अब भरणी नक्षत्र का, भरणी का गुण तो आएगा तो मेरी किताबों में यार कहीं आपने पढ़ लिया होगा कि उनको संग्रह की आदत होती है, चीजों को जोड़ने की आदत होती है, पुरानी चीजों का कलेक्शन करने की आदत होती है और मेरे ने क्या क्या होता है। लेकिन भरणी नक्षत्र का जहां स्वामी के गुण भी आते हैं उसमें, ये तो अभी अश्विनी कुमार के रूप में बताया आपको, तो भरणी का जो गुण आएंगे, भरणी का स्वामी है यमराज। मजेदार देखो बात, और वैदिक ऋषियों की सुपरलेटिव इंटरेक्ट का लोहा मानो। आकाश में एक नदी है, सारों की नदी, उसको आजकल की भाषा में एरिडानुस कहते हैं। एरिडानुस उसका मीनिंग होता है महानदी, और वो नदी भरणी नक्षत्र से थोड़ा नीचे से निकलती है और निकल करके लंबे आसमान को पार करते हुए दक्षिण में जाकर के ऐसा लगता है कि समा गई है, लेकिन लगता है वहां खत्म नहीं हुई है, इनविजिबल नहीं, फेंट हो जाती है, फीकी हो जाती है। तो उस एरिडानुस तक जाते जाते उसी को हिंदुस्तानियों ने, भारतीय मेधा ने उसको वैतरणी नदी के नाम से पहचाना। अब आप लोगों को पता है कि जब आदमी मरता है तो मिश्रा वरुण सबसे पहले मिलते हैं ऋग्वेद के अनुसार, अथर्ववेद तक भी यही प्रसार है कि मिश्रा वरुण ये दोनों देवता वो हैं जो अनेक यमदूतों का रूप बना करके आते हैं और यमराज के सामने आत्मा को पेश करते हैं। उस व्यक्ति को पेश किया जाता है तो उसके बाद उनके गुणों और कर्मों के फल के आधार पर उनको स्वर्ग का वो बोर्डिंग पास या नरक का बोर्डिंग पास दे दिया जाता है। और ये भी उल्लेख है कि उनको वैतरणी नदी को पार करके जाना पड़ता है। जो सज्जन हैं, जो सत्कर्मी लोग हैं, वो तो वैतरणी नदी को सुविधापूर्वक पार कर लेते हैं, लेकिन जो कुकर्मी लोग हैं उनको वैतरणी नदी को पार करने में बड़े बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो एक तरीके से तो यमराज की पोजीशन या उनकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, हमारी साइड के एंड पर, वो वैतरणी नदी के इस किनारे पर यमराज बैठे होंगे, वहां से बोर्डिंग पास देंगे और वैतरणी नदी की तरफ आत्मा चल पड़ेगी। इसी वैतरणी नदी, इसी एरिडानुस को दिमाग में रख करके उन्होंने वैतरणी नदी की कल्पना की, और साउथ की तरफ जाके नदी खत्म हो जाती है, वहां यम का राज्य शुरू हो जाता है, यम सदन होता है, इसलिए वहां पर उन्होंने मान लिया कि दक्षिण दिशा यमराज की है। इसी वैतरणी नदी के सामने पर, सारूप्य पर, सादृश्य पर उन्होंने एरिडानुस की को वैतरणी नदी माना, जो आज एरिडानुस नाम से पहचानी जाती है, और भरणी नक्षत्र में यमराज का स्थान मान लिया। तो इस तरीके से भाई यमराज का पता भी हमने आपको बता दिया, चिट्ठी लिखना चाहो तो लिख लेना, हाँ वहां संकॉल नहीं जा सकती। तो यमराज के गुण और तीन सारे हैं इस यमराज के अंदर भी। ये तीन सारे कौन से हैं भाई? ये तीन सारे इस तरीके से वैसे प्रकट करते हैं कि एक तो भाई स्वर्ग है और एक नरक है, और तीसरी स्थिति स्वर्ग और नरक के बीच की है।
जहां त्रिशंकु लटके हुए हैं। तो ये तीन तारे इसी चीज के प्रतीक है जो बनता है रूप, और कैंसर का रूप बनता है, कंटेनर का रूप बनता है। अरे इसमें वो क्या कहते हैं, वो चना जोर गरम खाते हैं, वो ऐसे कौन कौन टाइप का आकार ऐसे बन जाता है, ऐसे नीचे से छोटा और ऊपर से ऐसा फैला हुआ, ऐसा आकार बनता है कृतिका का। इसलिए उसका नाम उन्होंने भरणी नक्षत्र रख दिया। भरणी को आज भी भरणी कहते हैं, भरणी जिसमें आचार वचार रखते हैं उसका नाम भरणी होता है। तो वो भरणी नक्षत्र का यह भ्रंश है। तो उस भरणी नक्षत्र के गुण, तीन तारों के जो गुण आएंगे संग्रह की प्रवृत्ति में, तो आगे यमराज के जो गुण है वो उसके अंदर आएंगे। यमराज के गुण क्या क्या है, एक तो यमराज कभी छुट्टी नहीं लेते, चाहे लॉकडाउन चल रहा हो पूरे विश्व में, लेकिन यमराज की छुट्टी नहीं होती। लॉकडाउन में भी लोग मरते हैं, उनके कर्मों का फैसला यमराज करते हैं, कभी छुट्टी नहीं मिलती उनको, या लेते ही नहीं। तो भरणी नक्षत्र का मतलब है दुनिया भर के बोझ, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया के कर्मों के बोझ को उठाना, दूसरों के काम में बिना मतलब के प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव कामों में लगते रहना। और यमराज का जो जॉब है कि थैंकलेस जॉब, कोई उनको धन्यवाद नहीं कहता कि महाराज आपने मुझे स्वर्ग भेज दिया, थैंक यू, इतना नहीं कहता। वो तो निष्पक्ष भाव से, निष्काम भाव से फैसला करते रहते हैं। वो तो बेचारे फांसी के सजा लिखने के बाद कलम भी नहीं तोड़ते, कहीं जाओ चाहे। तो भाई इस तरीके से यमराज एवर रेडी है। यमराज अपने कर्तव्य का निष्पक्ष होकर के, इम्पार्शियल होकर के पालन करते हैं, यही गुण उनके अंदर आएगा। यमराज भीषण भी है और सौम्य भी है। सौम्य रूप में सद्गुण सद्गुणी व्यक्तियों को दिखाई पड़ते हैं चतुर्भुज रूप में, और भैंसे पर सवार और काला चेहरा दिखाई पड़ता है कुकर्मी लोगों को, इसलिए वो भीषण भीषण भी है और सौम्य भी है। तो ऐसा ही रूप उनका होगा। तो उन यारो काम यार दुश्मनों का दुश्मन, जौन जानी जनार्दन होते हैं भैया, हो तो दुश्मनों के दुश्मन और यारों के यार। तो ये गुण भरणी नक्षत्र वाले लोगों में झलकेगा। अब भैया मैं क्या बताऊं, अश्विनी नक्षत्र में शायद अभी वर्तमान एक नेता का जन्म हुआ है, या भरणी है या अश्विनी, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा, पक्का याद नहीं आ रहा। वो काफी बुजुर्ग हो गए हैं और आजकल क्या कहते हैं उसको, मार्गदर्शक मंडल में शामिल है। मुझे याद नहीं आ रहा उनका अश्विनी नक्षत्र है कि भरणी नक्षत्र। अश्विनी होगा तो भी हम उसकी बात कर चुके हैं, भरणी होगा तो भी हम उसकी बात कर चुके। तो भैया भरणी नक्षत्र जो है निवास स्थान है मृत लोगों का, प्रेत लोगों का, डिपार्टेड वंश, वो वहां रहते हैं। अब इसी को एरिदानुस को वैतरणी को हमारे यहाँ और अरेबिक कंट्रीज में उसको आखर नार नाम से पहचाना गया। आखर नार, आखिरी नदी जो आखिर तक जाती है, नार माने पानी, अरेबिक ने आखर नार बताया, वो हमारी वैतरणी है। तो इस तरीके से भैया भरणी नक्षत्र एफिशिएंटली हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि सीट ऑफ द यमराज है। यहाँ पर यमराज स्वयं विराजमान होते हैं, तो भरणी नक्षत्र में यमराज होने से रिस्क प्रोननेस ऑटोमेटिकली आ जाती है ऐसे लोगों में। और भाई जस्टिस, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्ष भावना, और भाई हर वक्त एक्टिव रहना, अपने ड्यूटी के प्रति लॉयल रहना, हेडमैनशिप आ जाना, मुखिया बनने की इच्छा होती है क्योंकि तो इनके काम में कोई दखल दे नहीं सकता, खुद ब्रह्मा विष्णु महेश भी दे सकते, वो भी कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते, हम तो देख से भर है, हम तो अध्यक्ष हैं, हम तो प्रिजाइड ओवर करते हैं, हम करते कुछ नहीं है, करते तो लोग हैं। तो करने की जो शक्ति दे दी, जो विधान पालिका का नाम दे दिया भैया, वो विधान पालिका इनको बना दिया। न्याय के पीठ पर बैठे होते हैं, तो इनको दंड देने का अधिकार भी होता है और माफ करने का अधिकार भी होता है। भाई अपने आप डिसाइड करते हैं कि चलो इनका ये अवगुण हमने, ये कुकर्म हमने माफ कर दिया, जो पहली नजर में कुकर्म दिखाई पड़ता है, तो ये गुण उनके अंदर होते हैं। और रॉयल नेचर, दूसरे जो यमराज है वो हरेक चीज की बड़ी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तभी तो तय करेंगे बोर्डिंग पास देते वक्त इसको कहाँ का बोर्डिंग पास दिया जाए, बीच में लटका दिया जाए, स्वर्ग नरक में भेज दिया जाए।
तो भाई ये मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन्वेस्टिगेटिव नेचर उन लोगों के अंदर आ जाती है। डिमोलिशन और डिस्ट्रक्शन की भावना अपने आप आ जाती है। तो भरणी नक्षत्र में जो स्थापित मूर्तियां विचारधाराएं होती हैं उनको तोड़ने की और कुछ आगे बढ़कर के, दो कदम आगे बढ़कर के कर गुजरने की कुछ समन्वना होती है। तो भाई ये जो नक्षत्र है ये फिल्म एक्टरों में धर्मेंद्र का है भरणी नक्षत्र। और आजकल के बड़े वृद्ध नेता महाराष्ट्र के किंग मेकर का भी ये भरणी नक्षत्र है। और भाई कश्मीर में अभी अभी नजरबंदी से बाहर आए फारूक अब्दुल्ला साहब का भी यही नक्षत्र है। तो ये एंटिटीज का नाम मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये कंफर्म कर लें, यानी ट्रेडिशनल ना होना, कंजर्वेटिव ना होना, इन्वेस्टिगेटिव होना, इंक्यूसिटिव होना और भाई ऑथोरिटेटिव होना और लीक से हट करके आगे बढ़ करके कुछ काम करना। ये ज्यादा नजदीक रहते हैं प्रदीप जी चतुर्वेदी जी उनके ऐसे लोगों के साथ, तो इनकी व्यक्तिगत बातें कहाँ ये लीक से हट के इन्होंने क्या क्या काम किए हुए हैं ये बता देंगे आपको। तो ये गुण कहीं ना कहीं झलकेंगे उनके अंदर, ये अश्विनी और भरणी नक्षत्र हो गया। अगली बार से हम वैदिक नक्षत्र कृतिका से शुरू करके इधर उधर की बातें ना करके विदाउट एनी प्रियम्बल वी शैल स्टार्ट इंटरेक्टिंग राइट फ्रॉम कृतिका टू रेवती।